पोर्न स्टार से बॉलीवुड एक्ट्रेस बनी सनी लियोनी इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। हाल ही में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म रईस में मौजूद उनके आइटम नंबर लैला मैं लैला ने दर्शकों पर खूब जादू चलाया है। दर्शकों के साथ साथ इंडस्ट्री के लोग भी सनी को अब बहुत पसंद करने लगे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में एक इंटरव्यू में सनी ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस इंटरव्यू में सनी लियोनी ने आपत्तिजनक हालत में उनके पापा द्वारा पकड़े जाने की बात स्वीकार की है। इंटरव्यू में सनी लियोनी ने बताया कि कम उम्र में उनका दिल तब टूटा था जब उनका परिवार मिशिगन से कैलिफोर्निया शिफ्ट हुआ था। सनी ने बताया कि मिशिगन में वो लोग एक साल तक रहे। यहाँ वो एक हॉट से लड़के को डेट कर रही थी। वो लड़का इतना अच्छा था कि सनी हर रोज लव लेटर लिखता था। ये बिल्कुल कम उम्र का प्यार था। दोनों की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। सनी ने बताया कि रोमियो और जूलियट का नाटक देखने के बाद उन दोनों ने पहली बार किस किया था। वे सनी का पहला अद्भुत अनुभव था। सनी को जब पता चला कि उस जगह को छोड़कर जाना है तो उनका दिल टूट गया था। सनी ने बताया कि वो लड़का बहुत हॉट और हैंडसम था, लेकिन सनी के माता पिता उससे नफरत करते थे। सनी ने बताया कि उनके पिता ने एक बार सनी और उनके उस बॉयफ्रेंड को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था। वो सनी के लिए बहुत बुरा हादसा था। सनी ने बताया कि एक बार वो दोनों साथ थे। बड़े से हॉल के कॉर्नर में सनी उसकी गोद पर बैठी थी। वो इंटीमेट हो रहे थे, तभी उनके पिता आए और सनी को डांटने लगे। वो इस हालत में अपने पापा को देखकर बहुत डर गई थी। इससे पहले भी एक इंटरव्यू में सनी ने अपनी सेक्स लाइफ के बारे में खुलासा करते हुए बताया था कि उन्होंने 11 साल की उम्र में पहली बार किस किया था और 16 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार सेक्स किया था। उनका मानना है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है।